कहीं पर रिमझिम तो कहीं पर फुहार, कहीं पर बादल बरसे मूसलाधार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सांदा, गुलशन रावी, इस्लामपुरा, जेल रोड, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जिला कचहरी, रंग महल, मोची गेट और बॉल रोड पर भी दिन भर रिमझिम रहा। आसमान से गिरती बूंदों ने मौसम की तरंग को सहाना बना दिया। बारिश के बायस बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासर। लेस्को के 46 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मौसम की खराबी के पेश नजर लेस्को इंतजामिया की सारफीन से ताबुन की अपील। मच्छरों की अफजाइश के लिए साजगार हो गया। डेंगू मच्छर के हमलों में तेजी आ गई। 24 घंटे में मजीद 2 नए मरीज सामने आ गए। महकमे सेहत के मुताबिक मरीजों का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से है। एक हफ्ते में 27 केसेस रिपोर्ट हो चुके। पंजाब काबीना ने बिजली बिलों में 14 रुपए रिलीफ की मंजूरी दे दी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। अवाम को रिलीफ देने पर काबीना ने वजीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा, बिजली में रिलीफ अवाम पर एहसान नहीं, उनका हक है। लेस्को ने वजीर आला की हिदायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पहले 4 बैचेस में बिजली सारिफिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिल गया। मरियम नवाज की जानिब से बकाया रकम अदा करने की तहरीर बिलों पर दर्ज। बिलों के साथ हुकूमत की जानिब से पंपलेट भी तकसीम। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में आरजी रिलीफ। लेस्को पर 6 लाख सारिफिन के बिलों की प्रिंटिंग दोबारा करने का इजाफी बोझ डाल दिया गया। ज़राए के मुताबिक दोबारा प्रिंटिंग से लेस्को को लाखों रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़े। पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरीज का तकरर। वजीर आला ने 25 पार्लिमानी सेक्रेटरीज तकररी की मंजूरी दे दी। उसामा लखारी महकमे ज़राअत, इफ्तिखार अहमद औकाफ और मजहबी अमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। शुएब अवैसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मंसूर आजम एनर्जी, शहरियार मलिक एक्साइज, मलिक वहीद फूड के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। सजा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना बाइस से नदामत है। वज़ीर इत्तला'आत अज़मा बुखारी कहती हैं, सबसे ज्यादा मगरिब को जानने वाले को आज मगरबी मीडिया डिसग्रेस का लकब दे रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे और भाईचारे के फरोग के लिए करारदाद जमा। नून लीग के रुकन कंवल लियाकत ने करारदाद जमा कराई। कहा कि ये ऐवान हर किस्म की दहशतगर्दी की भरपूर मसम्मत करता है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी ने पूरी कौम को रंजीदा कर दिया। एक सौ इक्कीसवां नेशनल मैनेजमेंट कोर्स पंजाब हुकूमत ने 8 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग में शिरकत से रोक लिया। ट्रेनिंग में शमूलियत ना करने से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। तमाम अफसरान ने 4 माह की प्रमोशन ट्रेनिंग में शिरकत करना थी। जो अभी नई हुकूमत आई, कभी उन्होंने बिलियन ट्रीज की बात की है कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स और इसको आगे बढ़ाएंगे और दूसरे सूबों की पेशकश करेंगे, हम ऐसे करें। बिलियन ट्री छोड़ें, मुझे आप वो बताएं वो जंगलात किधर गए हैं। इलीगल जो है टिम्बर माफिया ने जिस तरीके स्मगलिंग की है वहाँ पर, रोज़ाना सोशल मीडिया भी आपने देखा होगा। आप ये बात कर रहे हैं कि देखें 2013 में हमने एक पुरमन सूबा खैबर पख्तूनख्वा इनके हवाले किया था, आज अगर सूबा बदमन हो गया तो किसकी वजह से। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट खत्म हो गई। 9 मई मुल्क दुश्मनी का वाकया है जिस पर समझौता नहीं होना चाहिए। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी की घनगरज। कहा कि सूबा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से गुजर रहा है। फैसल करीम कुंडी की चौधरी एहतजाज अहसन से भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बीबी पाक दामन के मजार पर भी हाजिरी दी। शेख इम्तियाज महमूद के खिलाफ दर्ज केसेस की तफसीलात फराहम की जाएं। साइमा इम्तियाज ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, मौकिफ इख्तियार किया। शोहर के खिलाफ केसेस और इंक्वायरियों की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही, अदालत केसेस की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे।
चाहूँगी कि ये 16 महीने से भी बात आगे बढ़ गई है, क्योंकि शायद ही मेरी रिहाई के बाद कोई ऐसा दिन हो कि मैं अपने घर रही हूँ, या तो मैं घर से बाहर रही या मैं अदालतों में अपनी बेल्स के लिए फिरती रही। बट मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो उसने इस सब्र का फल मुझे इस इज़्ज़त से दिया, इस इस्तकामत से दिया, इस साबित कदमी से दिया कि आज मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के सामने सुरखरू। आलिया हमजा की साइबर दहशत गर्दी के मुकदमे में 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। हाई कोर्ट का तहकीकाती इदारों को मजीद कार्रवाई के लिए कानूनी दायरे कार में रहने का हुक्म। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा कि आलिया हमजा के शोहर की दरख्वास्त पर समाअत की। ड्रामा निगार खलीलुरहमान कमर हनी ट्रैप और इकवा बराए तावान केस, मुलजिमा आमना अरूज के जुडिशल रिमांड में 5 रोज की तौसी। अदालत का मुलजिमा आमना अरूज को 3 सितंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समाअत की। अडियाला जेल में बैठे एक शख्स ने ताजरों के साथ कौम को भी तकसीम कर दिया। एक सियासी जमात ने हड़ताल में मुदाखलत करके ताजरों के मफादात को ठेस पहुंचाई। ताजिर दोस्त स्कीम के चीफ कोऑर्डिनेटर नई मीर की घंगरज। FPR के तमाम दफातर में ताजिर दोस्त स्कीम के तहत ताजिर नुमाइंदों को रसाई दी गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी, पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दोबदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2.97 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़, मंजूरी की सूरत में पेट्रोल 257.99 रुपये फी लीटर हो जाएगा। महकमा रेलवेज का रावलपिंडी से कराची के लिए सर सैयद एक्सप्रेस चलाने का फैसला। ट्रेन का बाकायदा आगाज 1 सितंबर से किया जाएगा। सर सैयद एक्सप्रेस कराची से बरास्ता फैसलाबाद रावलपिंडी पहुंचेगी। शहर की खूबसूरती बहाल करने का मिशन, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ठोकर न्याज पेक, समसानी रोड और जौहर टाउन में सफाई और तजावजात का जायजा लिया। COLWMC को इलाके से कूड़े के ढेर और तजावजात को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। शहर में पार्किंग कवानीन की खिलाफवर्जी पर टीपा का एक्शन। इन्फोर्समेंट विंग ने गुलबर्ग जोन में 2 दर्जन से ज्यादा अमलाक को सील कर दिया। डायरेक्टर पार्किंग एंड इन्फोर्समेंट वन ने क्यादत की। अमलाक में शोरूम, निजी दफातर, फूड पॉइंट्स और कॉफी शॉप्स शामिल हैं। लाहौरियों के मैदे में जहर घोंपने की कोशिश नाकाम। फूड अथॉरिटी का शरीफपुरा में जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पर छापा। 700 लीटर जाली महलूल तल्फ कर दिया। 5 सिलेंडर्स, 3 मशीनें और 2 मन चीनी समेत ममनुआ अज्जा जब्त कर लिए। मुलजिम मौके से फरार हो गया। सेक्रेटरी फूड पंजाब मौजम इकबाल सिपरा मुअत्तल। केन कमिश्नर पंजाब अब्दुल रऊफ को भी ओहदे से हटा दिया गया। दोनों अफसरान को SNGAT रिपोर्ट करने की हिदायत। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पंजाब एहसान भुट्टा को सेक्रेटरी फूड का इजाफी चार्ज तफवीज़। डायरेक्टर फूड पंजाब शोएब जतून को केन कमिश्नर पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महकमे बल्दियात में तरक्की पाने वाले अफसरान की बतौर ADLG तकर्रियां कर दी गईं। ग्रेड 17 में तरक्की पाने वाले 14 अफसरान की बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर्स लोकल गवर्नमेंट तकर्रियां की गईं। IG जेल खानाजात पंजाब के अहकाम नज़रअंदाज। पंजाब की जेलों में कैदियों के हकूक का इस्तेहसाल किया जाने लगा। IG जेल को बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें मौसूल। IG जेल ने तमाम जेल सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत जारी कर दी। मरासले के मुताबिक ग्रुप के फोकल पर्सन अली अमीर शाह सुपरिटेंडेंट जेल होंगे। कच्चे में पुलिस मुलाजमीन का हौसला बढ़ाने के लिए अहम इकदाम। IG पंजाब का मुलाजमीन के लिए खसूसी अलाउंस देने का फैसला। समरी अरसाल हतमी मंजूरी के बाद इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, हवालदारों को अलाउंस दिया जाएगा।
अमीर बालाश टीपू कत्ल केस, मुलजिम एहसन शाह की जेल से मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में पुलिस ऑफिसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त कराने का इंकशाफ, कहा कि प्लान बना लिया है, लड़के भी तैयार हैं। पुलिस के मुताबिक एहसन शाह ने जेल से खातून दोस्त को फोन किया। SHO ओल्ड अनारकली और होटल मालिकान के माबेन तकरार का वाकया, SP सिविल लाइन्स डॉक्टर अब्दुल हनान का वाकये का नोटिस, SHO से रिपोर्ट तलब कर ली। जुलूस की सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस के कहने पर शहजाद और उसके भाई ने होटल बंद ना किया, होटल बंद करवाने पर पुलिस के साथ बहस और तकरार की। पुलिस जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने में नाकाम, शहर में चोर और डाकू बेलगाम। गुज़श्ता 24 घंटे में मुख्तलिफ जराइम की 479 वारदातें, चोर मुख्तलिफ इलाकों में 15 घरों से लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े, डाकुओं ने 24 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए। शहर में मोटरसाइकिल छीने और चोरी की वारदातें कम ना हो सकी, रवा साल 7 माह में चोरी की 15,210 वारदातें, 361 शहरी कार से महरूम, 239 मोटरसाइकिलें छीन ली गईं, पुलिस गाड़ियों को बरामद करवाने में नाकाम। इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने अंधे कत्ल की वारदात ट्रेस कर ली, नाजायज तालुकात के शुबे पर दोस्त को कत्ल करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाहिद और आसिफ ने साजिद को कत्ल किया, मुलजिम जाहिद को शक था कि साजिद उसकी बेटी के साथ ताल्लुकात में है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम के तलबा की पुलिस लाइन आमद, वफ़ ने DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान से मुलाकात की। तलबा को लाहौर पुलिस वर्किंग, पुलिस खिदमत मराकज और विमेन सेफ्टी एप वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी गई। मोटरसाइकिल सवार कवानीन तोड़ने में सबसे आगे, रमा बरस 37 लाख शहरी कानून शिकन निकले, 12,48,000 शहरियों ने लेन लाइन स्टॉप लाइन की खिलाफवर्जी की, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 3,52,000 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। एडिशनल IG ट्रैफिक का कानून शिकनों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, मिर्जा फारान बे का खिदमत मरकज बरकत मार्केट का दौरा, लाइसेंस सहूलियात समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, खातीन को तरजीही बुनियादों पर लाइसेंस के हुसूल की फराहमी की हिदायत।